हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी जेम 2021 के बारे में। आज आप लोगों को इस वीडियो में आईआईटी जेम 2021 के बारे में हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करने को मिलेगी, लाइक उसका एप्लीकेशन हम किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ आईआईटी जेम 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन आईआईटी जेम 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, उसी के साथ साथ आईआईटी जेम 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, कब एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा, कब उसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आप लोगों को जानने मिलेगी आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर आईआईटी जेम 2021 के रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, न्यूज़ रिलीज होती है, या तो फिर अगर उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया या एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए अब हम शुरू करते हैं आईआईटी जेम 2021 के बारे में डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर जो है google.com ओपन कर देना है, आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा आईआईटी जेम 2021। अब आईआईटी जेम 2021 सर्च करने के बाद आपको उसके आगे लिखना होगा cpet.co.in। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली डायरेक्ट गूगल पे सर्च करते हैं आईआईटी जेम 2021 और डायरेक्टली एंटर दबा के सर्च करते हैं और फिर जो भी वेबसाइट आती है उसमें इंफॉर्मेशन देखते हैं, पर कई बार ये होता है कि जो वेबसाइट्स होती है वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उनमें जो इंफॉर्मेशन रहती है वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी, एक दो साल पुरानी इंफॉर्मेशन रहती है, और स्टूडेंट्स को उस वजह से गलत सिलेबस, गलत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और गलत इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आईआईटी जेम 2021 के आगे आपको सर्च करना है, टाइप करना है cpet.co.in, और cpet.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको आईआईटी जेम 2021 के रिलेटेड फुल डिटेल ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो cpet.co.in वेबसाइट है वो आईआईटी जेम की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ जो है डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है, रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती रहती है, इसी वजह से आपको मैंने जो है cpet.co.in लास्ट में लिखने कहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल ओरिजिनल और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जानने मिलेगी। अब आपको आईआईटी जेम 2021 उसके आगे cpet.co.in लिख के जो है सर्च कर देना है। सर्च करते ही जैसे आपके सामने जो सबसे पहला रिजल्ट दिखाई देगा आईआईटी जेम 2021, उस पहले रिजल्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आईआईटी जेम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आईआईटी जेम 2021 और उसके आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म ऑन 10 सितंबर। तो इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि ये वेबसाइट को मैं इसीलिए प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि जो cpet.co.in है मैं कहा था कि बहुत एकदम फुल अपडेट रहती है, रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती है आईआईटी जेम की ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे बता दिया कि 10 सितंबर को इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाला है, एडवांस में हमें यहाँ पे वो बता दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो जैसे कि आप वापस से देख सकते हैं, यहाँ पे हमें फिर से बता दिया कि आईआईटी जेम 2021 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 सितंबर को रिलीज होने वाला है, और उसका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो 14 फरवरी 2021 को इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होना है वो भी बता दिया गया, और एग्जाम डेट कब कंडक्ट होने वाला है उसके साथ वो भी बता दिया गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल जानते हैं आईआईटी जेम के बारे में। तो आईआईटी जेम जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर आपको किसी भी पीजी डॉक्टरेट प्रोग्राम लाइक एमएससी पीएचडी या एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री या उसी की और तरह के और भी बहुत सारी डिग्री में अगर एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको आईआईटी जेम का एग्जाम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईआईटी जेम 2021 नोटिफिकेशन, तो गाइज ये जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि अभी फिलहाल अपडेट आया हुआ आईआईटी जेम 2021 में एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10 तारीख सितंबर 10 तारीख को जो है वो रिलीज होने वाला। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट कर दिया गया कि एप्लीकेशन विल बी रिलीजिंग ऑन 10 सितंबर, और यहाँ पे भी नीचे दे दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो 10 सितंबर को रिलीज होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक किया तो चेक एप्लीकेशन डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको पूरी एप्लीकेशन की डिटेल्स मिल जाएगी। तो उसी तरह से अगर आपको एडमिट कार्ड इसका रिलीज होने वाला रहेगा या एडमिट कार्ड रिलीज होगा या फिर अगर इसका और भी कोई इवेंट रिलीज होगा तो यहाँ पे वो इवेंट अपडेट हो जाएगा। लाइक अगर एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एडमिट कार्ड रिलीजिंग ऑन, उसका डेट बता देगा। तो आप इस वेबसाइट को सिंपली यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके बुक मार्क कर सकते हैं, और आप रेगुलर भी इस वेबसाइट को जो है उस बुक मार्क से रेगुलरली वेबसाइट को जो है आके चेक कर सकते हैं यहाँ पे के जो नोटिफिकेशन का कॉलम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कोई नया नोटिफिकेशन, नया अपडेट आया है या नहीं। अगर नया अपडेट आया रहेगा तो यहाँ से आपको डायरेक्टली जो है वो पता चल जाएगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाईलाइट्स की ओर।
हाईलाइट्स के बारे में, लाइक आईआईटी जैम के अभी जितने भी हाईलाइट्स, हम हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले इसका नाम यहाँ पे दे दिया गया, उसके बाद आईआईटी जैम का फुल फॉर्म यहाँ पे दे दिया गया है, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट, फिर एग्जाम टाइप बता देगा, पीजी डिग्री का ये जो है एग्जाम है, एग्जाम लेवल नेशनल लेवल का एग्जाम है, कोर्सेज यहाँ पे कौन से ऑफर किए जाते हैं वो बता देगा, तो पोस्ट बैचलर्स के डिग्री के जितने भी कोर्सेज है वो यहाँ पे जो है ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद इसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बता दी गई, आईआईटी कानपुर जो इसके ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है, मीन्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करके सबमिट करना रहता है। मोड ऑफ एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम डेट दे दी गई है, तो आईआईटी जेम 2021 का एग्जाम जो है वो 14 फरवरी 2021 को कंडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो ड्यूरेशन यहाँ पे दे दिया गया, टोटल 3 घंटे आपको दिया जाएगा, 3 घंटे में आपको जो आईआईटी जेम 2021 का एग्जाम जो है वो कंप्लीट करना होगा। लास्ट में आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है आईआईटी जेम की। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्विक लिंक्स की ओर। सो गाइस, ये जो सेक्शन है ये आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर आपको आईआईटी जेम के किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना है, किसी इवेंट के बारे में डिटेल में जानना है, लाइक आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में जानना है, या सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उसके सामने जो क्लिकर है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते आप एक न्यू पेज पर चले जाएंगे, जहाँ पर आपको आईआईटी जेम 2021 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फुल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर चेक करने को मिलेगी। तो वहाँ से डायरेक्टली जो है मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन पे रीच आउट हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। सो गाइस, आईआईटी जेम 2021 का जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुका है, लाइक इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10 सितंबर से जो है रिलीज होने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखें, ताकि जैसे ही आईआईटी जेम का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि किस तरह से आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करके सबमिट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इसका जो लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन फिल करने का वो 15 अक्टूबर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट दे जाएगा कि जो इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो 14 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट होगा, इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 20 मार्च को रिजल्ट इसका डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे जो थी वो सारी की सारी अपडेट करके बता दी गई है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की ओर। सो गाइस, आईआईटी जेम 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और उसी के साथ एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले उनसे कहा जाएगा कि रजिस्टर करना है, रजिस्टर के बाद जो है आपको लॉगिन करके आपके डिटेल्स मांगे जाएंगे, लाइक आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों से कहा जाएगा कि आपको जो है सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स और जो आपका फोटोग्राफ है, पासवर्ड है, फोटोग्राफ, उसे स्कैन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि किस फॉर्मेट में, किस साइज में स्कैन करके अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स उन्हें नहीं पता होता, और अगर आप किसी भी साइज या किसी भी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इससे सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही आईआईटी जेम 2021 का एप्लीकेशन रिलीज होगा तो हम तुरंत उसके ऊपर एक डीप वीडियो बना देंगे, आपको उसमें लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताया जाएगा, आपको ये भी बता दिया जाएगा किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसे सबमिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ है उसे किस तरह से स्कैन करना है, कितने साइज में, कितने केबीज में किस तरह अपलोड करना है, हर एक चीज़ फुल डिटेल आपको उस वीडियो में दे दी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन भी दबा के रखें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो एप्लीकेशन फीस है वो सबसे पहले बता दिया गया, रिफंड नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फी भर दी गई है तो चाहे आप एग्जाम दें ना दें, कोई भी प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन फी रिफंड नहीं की जाएगी। उसके बाद बता देगा कि आप एप्लीकेशन फी डायरेक्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू भर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो वन पेपर के लिए, एक पेपर के लिए जो फी रहेगी वो 1500 है, और जो दोनों पेपर के लिए जो फी रहेगी आपकी वो है 2100। और अगर आप बिलोंग करते हैं फीमेल कैटेगरी, कैटेगरी ए से या एससी कास्ट से या एसटी कास्ट से या पीडब्ल्यूडी कास्ट से, तो आपकी जो पेपर वन के लिए फ़ी रहेगी वो रहेगी 750, और टू पेपर्स के लिए आपकी फ़ी रहेगी वो 150 रुपीज़ रहेगी। और उसी तरह से नीचे और भी सब एप्लीकेशन फ़ी बता दी गई है अलग अलग कास्ट के हिसाब से। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी ऊपर आपको कह दिया था कि एप्लीकेशन के फीमेल के लिए और एसटी एसटी पीडब्ल्यू के लिए कितनी फीस रहेगी, पर यहाँ पे और डिटेल में आपको बता दिया कि कौन से केस के लिए, पेपर वन के लिए कितना, पेपर टू के लिए कितना एडिशनल, फिर उसको सब पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बता दी गई है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की।
आईटी जेम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप आईटी जेम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे सेटिस्फाई करें, क्योंकि अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप इसके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं, आप इसका एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाकर फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, लाइक आप जो इंडियन सिटीजन हो, फॉरन नेशनल जो है इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने एप्लीकेबल इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो ग्रेजुएशन या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं आई टी जेम के लिए, कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अब यहाँ पे जो है मार्क्स की रिक्वायरमेंट बता दी गई है, अगर आप जनरल कास्ट या ओबीसी एनसीएल ईएसडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स कम से कम चाहिए, लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते लाइक एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से या कास्ट है तो उसके लिए 50% यानी कि 5% का डिस्काउंट है। इंडिया आप ऐसा समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। सो गाइस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ये दो चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आईआईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना जरूरी, तभी आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज बना के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पहले एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, जो इसका एग्जाम है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, पहले ये बता दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम ड्यूरेशन है, तो एग्जाम ड्यूरेशन टोटल 3 घंटे का रहेगा, 3 घंटे में आपको पूरा एग्जाम कंप्लीट करना रहेगा। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के टोटल 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आपको सिंपली उस पर टिक करना होगा। तो अभी यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एंट्रेंस एग्जाम में, और जो पेपर है पेपर में टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन का आंसर देना जरूर रहेगा। जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और कोई भी दूसरे लैंग्वेज में पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आईआईटी जेईई 2021 में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे टेबल बता दिया गया, आपको यहाँ पे सेक्शन डिवाइड करके बता दिया गया, सेक्शन 1, 2, 3 और कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बता दिया गया, और किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो भी बता दिया गया। साथ ही साथ आपको मार्क्स भी दे दिया गया कि सेक्शन 1 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए, सेक्शन 2 में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू 20 मार्क्स के लिए, सेक्शन 3 में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया, 60 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, पूरा आपको सेक्शन के हिसाब से डिवाइड करके बता दिया गया है। नेक्स्ट हम सिलेबस की बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको देखो सिलेबस दे दिया गया है, मैथमेटिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पूरा सिलेबस दे दिया गया। टॉपिक मेन सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको सब टॉपिक्स भी दे दिए गए, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स दे दिए गए। आप टॉपिक्स के द्वारा जो है इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर फुल डिटेल सिलेबस आप चेक कर सकते हैं और उस टॉपिक्स के द्वारा मदद से आप जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एडमिट कार्ड की। सो गाइस आईआईटी जेईई का जो एडमिट कार्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जाम सेंटर से ही वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए आपको जो अच्छी तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसके 3 से 4 प्रिंटआउट अपने पास संभाल के रखने हैं। और एक और जो प्रॉब्लम फेस होती है स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड के रिलेटेड वो ये है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कब आईआईटी जेईई का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, कब आईआईटी जेईई का एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए एंड हो चुका है। तो आपके साथ भी ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही अभी आईआईटी जेईई 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके अगले ही पर आपको जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। आपको वीडियो में ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा के रखें। अब एडमिट कार्ड में आपको बहुत सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड कराई जाती है, लाइक आपका नाम रहेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा वो रहेगा, आपके एग्जाम सेंटर का नाम रहेगा, आपके जो सब्जेक्ट्स बताए रहेंगे उसमें टाइमिंग दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, एग्जाम सेंटर का एड्रेस रहेगा, बहुत सारी डिटेल्स आपकी एडमिट कार्ड में दी हुई रहती है। अब हम बात करें रिजल्ट की। सो गाइस रिजल्ट जो है आईआईटी जेईई का एग्जाम से एग्जाम के 2 या 3 हफ्ते बाद जो रिलीज हो जाता है, रिजल्ट चेक करना बहुत ही आसान है, आपको सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालना रहता है, और जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है लिंक, आपको ऑफिशियल लिंक जो है मालूम रहनी चाहिए, ऑफिशियल लिंक से आपको जो है रिजल्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी गलत लिंक से चेक करेंगे तो आपको जो रिजल्ट चेक करने में बहुत ही परेशानी होगी। तो हम अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो हम आपको जो वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे कि रिजल्ट रिलीज हो चुका है, और इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट किस तरह से चेक करना है, और लिंक पर जाकर आप डायरेक्ट अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आपको आईआईटी जेईई 2021 में कुछ भी डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो से हेल्पफुल रहा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।